1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में ईडी की जांच एक बार फिर तेज हो गई है और ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए साहेबगंज एसपी नौशाद आलम को तलब किया गया है। बता दें कि नौशाद आलम को पहला समन 22 तारीख का था, हालांकि उस तारीख को नौशाद आलम ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे, समय की मांग की थी, जिसके बाद दोबारा से 28 तारीख यानी कि आज का जो तिथि था वो निर्धारित था और आज करीब 9:50 का वह समय था जब साहेबगंज एसपी नौशाद आलम ईडी दफ्तर पहुंच गए। बता दें कि नौशाद आलम से ईडी के अधिकारी जो ईडी के गवाह विजय हाजदा है उन्हें प्रभावित करने के मामले में पूछताछ करेंगे। बताया जाता है कि नौशाद आलम ने विजय हाजदा को दिल्ली जब विजय हाजदा जा रहा था तो उसके रेल टिकट की व्यवस्था और टिकट कन्फर्म जो पुलिस विभाग के खाते से वो कराई गई थी, तो इनसे जुड़े मामलों में ईडी पूछताछ करेगी। इसके अलावा नौशाद आलम पर अवैध तरीके से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का भी मामला सूत्र बता रहे हैं कि ईडी के पास है और उस साक्ष्य जुटाने की कोशिश ईडी कर रही है कि जब आगे की कार्रवाई किस आधार पर करें, तो कई सवाल ईडी के पास है जो ईडी तलाशने की कोशिश कर रही है। तो एक बार फिर से लंबे समय के बाद ईडी के दफ्तर में जो है वो चहल पहल बढ़ी है और 1000 करोड़ रुपये के जो अवैध खनन हुए थे साहिबगंज में, जिस पर तत्कालीन उस वक्त की खान सचिव पूजा सिंघल हो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, अमित अग्रवाल से जुड़े कई ऐसे लोग थे, एक सिंडिकेट वहां पर काम कर रहा था जो सलाखों के पीछे जा चुके हैं, लेकिन इस दौरान जो मुख्य गवाह था जिसने कोर्ट में मामला दर्ज कराया था, पीआईएल दाखिल की थी इसके खिलाफ और ईडी के पास वह एक पुख्ता सबूत के तौर पर था और कई जानकारी ईडी को दिया था, लेकिन जब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी और कई रसूखदार और नौकरशाहों के नाम सामने आए तो करीब 1.5 साल बाद ईडी का गवाह जो था विजय हाजदा वो मुकर रहा था। तो सीधे तौर पर अगर कोई गवाह मुकर जाएगा तो जो इतनी लंबी ईडी की जांच चली है वो कहीं ना कहीं खोखली साबित हो जाएगी कि आखिर किस आधार पर जाँच हो रही थी। लेकिन अब इस गवाह को प्रभावित करने मामले में ईडी ने जाँच शुरू की है और फिलहाल तो एसपी को पूछताछ के लिए तलब किया है, लेकिन इसके बाद जब इनसे पूछताछ में और कई जानकारियां निकलेगी तो उस कड़ी को आगे जोड़ने की कोशिश ईडी के अधिकारी करेंगे और कई नए चेहरे जो है वो ईडी दफ्तर में दौड़ लगाते हुए दिख जाएंगे। तो फिलहाल आप इंतज़ार करना होगा कि नौशाद आलम से भी कितनी लंबी पूछताछ चलती है और कौन कौन से नए चेहरे को ईडी दफ्तर में दौड़ लगाते हुए देखा जाता है, क्योंकि यह मामला काफ़ी बड़ा है। जिस तरह से 1000 करोड़ का अवैध खनन हुआ उसके गवाह को प्रभावित करने को, तो इसके पीछे और कौन से हाथ हैं, एसपी के पीछे और कौन है, एसपी किसने कहा था, इन तमाम सवाल को ईडी के अधिकारी फिलहाल खोज रहे हैं और वह सवाल नौशाद आलम के पास है और नौशाद आलम जब बताएंगे तो उन्हें भी जो इनसे जुड़े लोग हैं उन्हें भी ईडी दफ्तर तलब किया जाएगा समन भेजकर। फिलहाल आप बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, अपने सहयोगी संतोष के साथ, समीर द न्यूज़ पोस्ट रांची।